गाइस, आज हम फिर से आगे टिकटॉक के एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर, जैसा कि वीडियो देख सकते हैं साइट में, ये वीडियो टिकटॉक पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल चुका है। इस वीडियो को सबसे पहले जो साउंड पे अपलोड किया गया था, मिली नहीं माजा राजा दोहरा पनीर में, इस साउंड पे आपको अपलोड किया गया था। इसके बाद इस वीडियो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में आ चुका है, तो आज मैं आपको बताऊँगा इस साउंड पे इस तरह की वीडियो आप कैसे बना सकते हैं। तो इस टाइप के वीडियो बनाने के लिए आपको करना क्या है, तो सबसे पहले आपको एक वीडियो शूट कर लेना है ग्रीन स्क्रीन में, जैसा कि वीडियो देख सकते हैं ग्रीन स्क्रीन में वीडियो को शूट किया गया है, तो आपको भी कुछ इस तरह से ही शूट कर लेना है। शूट करने के बाद वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का लिंक और काइनमास्टर एप्लीकेशन का लिंक दे रखे हैं, वहां से आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे और वहाँ पर मैं आपको स्टेप बाई स्टेप एडिट करके बताता हूँ किस प्रकार आप बना सकते हैं इस तरह के वीडियो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए, मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको जेन्युइन कंटेंट मिलता है। तो सिंपल आपको करना क्या है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन से काइनमास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है, मीडिया पे आना है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन है मैंने एक वीडियो का लिंक दे रखे है, वीडियो को आपको डाउनलोड कर लेना है, इसके बाद वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं वीडियो हमारा कुछ इस तरह से शूटिंग किया गया है, तो देख सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इसको लिंक दे रखा हूँ, आप वहाँ से बिल्कुल आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है, इसके बाद आपको एक वीडियो ग्रीन स्क्रीन में शूट करना है, मैंने जो ग्रीन स्क्रीन में वीडियो शूट कर रखा हूँ उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं वीडियो कुछ इस तरह से शूट किया गया है, तो आपको भी कुछ इस तरह से शूट कर लेना है। शूट करने के बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट दिख रहा है साइड में ब्लैक कलर का या फिर अदर किसी भी कलर का, उसे आपको क्रॉप कर रिमूव कर देना है। सिंपल क्रॉप पे क्लिक करेंगे, इनेबल करेंगे और इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है और कुछ इस तरह से आपको क्रॉप कर देना है। आपको जितने भी पार्ट दिख रहा है आपको एक्स्ट्रा पार्ट को बिल्कुल आसानी से क्रॉप कर सकते हैं। आपको वही पार्ट रखना है जो ग्रीन स्क्रीन में सिर्फ दिख रहा है, इसके बाद डन करना है। डन करने के बाद इस पर क्लिक करेंगे और इस वीडियो को आपको कुछ इस तरह से जूम कर लेना है और साइड में आपको एडजस्ट कर लेना है, जहाँ तक आपको ग्रीन स्क्रीन आपको साइड में कुछ इस तरह से, यदि आप फुल बॉडी में वीडियो शूट किए होते तो आप कहीं पे एडजस्ट कर सकते थे, लेकिन देख सकते हैं साइड में यहाँ कट रहा है, इसलिए मैं कुछ साइड में कुछ इस तरह से एडजस्ट कर देता हूँ। एडजस्ट करने के बाद डन करते हैं, फिर से वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, क्रोमा की पे क्लिक करेंगे और सिंपल आपको क्रोमा की पे इनेबल कर देना है और आपको कलर की पे यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है ग्रीन कलर का। ग्रीन कलर इसलिए सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं जो बैकग्राउंड में जो पर्दे यूज किया हूँ वो ग्रीन कलर का है, इसीलिए ग्रीन कलर मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद डन कर देना है। अब आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे, तो देख सकते हैं यहाँ पर वीडियो परफेक्ट बन चुका है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं आप काफ़ी ध्यान से देखोगे तो यहाँ पता चल जाएगा क्रोमा की सही से रिमूव नहीं हुआ है। तो आपको करना क्या, ए वाली जो आपको दिख रहा है ये आपको क्रोमा की रिमूव करने के लिए होता है, तो कुछ इस तरह से आपको एडजस्ट कर लेना है, और ये जो होता है फेस को सही से एडजस्ट करने के लिए होता है, तो आपको काफ़ी ध्यान से एडजस्ट आपको कर लेना है। तो मैं सही से एडजस्ट करके दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं क्रोमा की के मदद से मैं यहाँ पे बिल्कुल आसानी से जो ग्रीन स्क्रीन पर्दा था वो मैंने रिमूव कर चुका हूँ। इसको आप देख सकते हैं आपका वीडियो कुछ इस तरह से एडिट हो चुका है। इसके बाद क्या करना है, आप अपने वीडियो क्लियर पर क्लिक करना है और ओरिजिनल साउंड को आपको म्यूट कर देना है, सेटिंग पर क्लिक करना है और यहाँ पर ऑडियो फेड आउट को ऑफ कर देना है, और इसके बाद शेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। मेरा वीडियो यहाँ पे पूरी तरह से तैयार हो चुका है, ये वीडियो टिकटॉक पे फिलहाल में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। तो इस तरह के वीडियो बनाते हैं तो आपके वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा लाइक्स एंड व्यूज़ आने के चांसेस बढ़ जाएंगे और वीडियो भी आपके वायरल हो सकते हैं। तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक साउंड लिंक दे रखा है, उसी वीडियो के साउंड पर आपको इस वीडियो को अपलोड कर देना है। ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए यदि आपको किसी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पे वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।